सिखाइए सिखाइए। मैडम रद्दी 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 तो अभी घर में नहीं है, आप किसी और दिन आइएगा। थैंक यू मैडम। बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ जरूर, ठंडा है सादा? सादा चलेगा। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए अंदर आ जाइए, मैं अभी पानी लाती हूँ। हाँ? ये लीजिए भाई साहब। धन्यवाद। कौन हो तुम? और छोड़ो मुझे। तुम तो जिन जुनून हो। जिनलैंड के गब्बर, जिसके बारे में जिनलैंड की सारी मम्मियां ये कहती है कि बच्चों सो जाओ वरना जिन जुनून आ जाएगा। और देखो मैं आ गया। क्यों आए? और आए भी तो मेरे पास क्यों आए? देखो मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो जिंजोरा के साथ हुआ था। मेरी दीदी और जूजू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो मुझे। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को यहां पहरा देना है और इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसे बचाने कोई ना आने पाए। सुनो क्या है भाई, ब्रेक नहीं है तुम्हारे पास? है कमाल करते पांडे जी, अभी अभी तो आपने हमसे कहा था कि फॉलो मी। हाँ मैंने कहा था, तो देख के चलेगा ना, किसी के ऊपर भी चढ़ जाओगे क्या तुम? तो बर्दाश्त के भार हो गए हो, ये अपनी नाक घिस घिस गई हो, तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। आज तेरी शिकायत जीनी से करता हूँ। फिर तो तू गया बच्चू। वाह पांडे जी वाह, क्या बात। इसका मतलब आप खाए पान और हम इलायची भी ना चबाए। मतलब ये कि अगर आपने हमारे बारे में कुछ भी रज्जो जी से बताया तो हम भी रज्जो जी को आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। पांडे जी क्या बताओगे? यही कि हमारी भोली भाली फूल जैसी मासूम रज्जो जी आपके लिए डिनर की तैयारी कर रही है और आप है कि यहाँ ऑफिस में प्रिया जी के साथ डिनर पे जाने का प्लान बना रहे हैं। सनम बेवफा, ए फिर देखना हम कैसे आपका बजाते हैं बैंड। अगर तुम बैंड बजाओगे ना तो मैं भी तुम्हारा तबला बजाऊंगा। दिन दिन और हाँ यह तो हरगिज मत बोलो कि विक्की ने कोई चूड़िया नहीं पहन रखी है। पांडे जी। हाँ जी। चूड़ियों से याद आया क्या कि आपकी गोरी गोरी कलाइयों में चूड़िया कितनी सुंदर लगेंगी ना। अच्छा अभी देख लेते। अरे सचमुच चूड़ियां आ गई।
दोस्त पहनती कैसे? मैं क्या कर रही? जॉनी का बच्चा रज्जो जी। अरे रज्जो जी कहाँ हैं आप? ये दोनों कौन है जो लवली सिंह रिपोर्टिंग बन के आए हैं? हमको लगता है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। हे मर्दोद, किसी भी तरह की कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अब हमारी कैद में हो। जिन जाबिर, मैं इसे पहचानता हूँ। ये जिन लैंड के कैद खाने में कैद था। जिन जाफर पहले उस कैद से भागा और अब इस कैद में आकर फंस गया है। ओ भाई साहब, क्या क्या कैसे भाग के है? मैं किसी कैद वैद से भाग के नहीं आया हूँ, अपनी सजा पूरी करके आया हूँ, वो भी एकदम दबंग स्टाइल से। क्या है कि हमारे अच्छे बर्ताव की वजह से हमें जल्दी छोड़ दिया गया था। लेकिन आप लोग ये बताओ, आप दोनों हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन हाँ, उससे पहले प्लीज मुझे इस जादुई कड़े से आजादी दो ना प्लीज। जिन जाबिर, ये बेचारा बहुत दिन कैद में रहकर आया है, रिहा कर दे इसे। ठीक है जिन जाफर। लो, कर दो आजादी से। अब तुम आजाद हो, एकदम आजाद, जो चाहे कर सकते हो। लेकिन इस घर की चार दीवारी के अंदर, क्योंकि अब तुम चाहकर भी इस घर से बाहर नहीं जा सकते हो। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आखिर रज्जो जी है कहां? इन लोगों ने उनके साथ आखिर किया क्या है? ओए जिन जुनून, तुम चाहते क्या हो और मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद किया है? चाहता क्या हो तुम बताओ, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं बता देता हूं। अपार शक्ति का भंडार, अपार शक्ति, शक्ति भी जिसके कदम चूमे, इतना शक्तिशाली जिन बनना चाहता हूं मैं। हाँ तो बनो ना, जो भी बनना है। मैंने कहा रुका है तुम्हें? इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। देखो, सीधे सीधे बताओ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ जाओगी। जैसे जैसे सितारे अपने ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, वैसे वैसे वो समय हमारे और करीब आ जाएगी, जब मैं महाशक्ति को तुम्हारी भेंट चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करूंगा। फिर पूरे जिन लैंड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जिन का राज होगा। बोलो कौन होगा, कौन होगा वो, बोलो। वो होगा जिन जुनून। सितारों, जल्दी जल्दी अपने ग्रह नक्षत्र बदलो। और इंतजार नहीं होता मुझसे। अरे
हाय, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये देखने से पहले मेरी आंखों में मोतिया बिंद क्यों नहीं हो गया यार? मतलब मेरा दोस्त चूड़ियां पहन के बैठा है? यहाँ मैं परेशान हूँ और तू शेक कर रहा है? विकी, विकी, हाँ? मुझे समझ में आ गया कि मेरी आंखें क्यों फड़फड़ा रही थी। हा? ये देखो, 1000 साल के बाद ग्रह, नक्षत्र, तारे कुछ इस तरह से हो जाएंगे। देखो, तुम भी देखो वेला। हाँ, ये तो देख लिया, पर इसका मतलब क्या है? विकी, जब भी ऐसा होता है ना, तब जिन लैंड के दुष्ट जिनों को अपनी शक्तियाँ कई गुना बढ़ाने का मौका मिलता है। अच्छा, हाँ? फिलहाल तो मैं उस दुष्ट जिन जॉनी के बारे में सोच रहा हूँ, जो घर गया है जीनी को भड़काने के लिए। पता नहीं वो जीनी को क्या भड़काएगा, पता नहीं उसके बाद जीनी कैसे रिएक्ट करेगी और मेरा क्या हाल करेगी। जी यार, तुम कितनी अच्छी हो। अचानक से तुम कितनी नेक हो। अचानक से तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। अचानक से? अचानक से नहीं, हमेशा से। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये निकाल के दे दूंगा तुम्हें। अरे तुम घर जाओ और जीनी को समझाओ कि वो जॉनी की बातों में ना आए। हाँ जिया, जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जाओ और मेरे दोस्त की हेल्प करो, क्योंकि इससे तो कुछ होगा नहीं। इसने तो अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है। अरे यार विकी, तू वो गाना क्यों नहीं गाता? कौन सा? गोरी कलाइयां और लद मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे साजना। बस कर यार, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। What is this? अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत करो जीनू की तरह। जा रही हूँ मैं। एक मिनट, जब जा रही हो तो एक एहसान और मुझ पर कर दो प्लीज। अपने साथ इस गधे को भी ले जाओ। हाय हाय, कितना सच्चा दोस्त है मेरा। बहाने से सही तू चाहता है कि मैं और जिया साथ में जाएं ताकि साथ में टाइम स्पेंड कर सके। क्यों जी? विकी, हाँ? मेरा एहसान याद रखना। सी यू लेटर भाई। चले गए। इसको किस सितारे कब अपने ग्रह नक्षत्र बदलेंगे? जिन जुनू, सितारे तो अपने ग्रह और नक्षत्र बाद में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले कोई है जो आके मुझे तुम्हारे चंगुल में से बचा के लेके जाएगा। पता है तुम्हें कौन है वो? पूछो। नहीं पता ना? वो है मेरे जूजू। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जूजू आएंगे और मुझे यहाँ से बचा के लेके जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जुगनू, कौन है इसका वो जूजू जो बार बार अपने जूजू का नाम लेती रहती है? कौन है वो जिसने इसके खातिर जिन जोरा जैसे खतरनाक और शक्तिशाली जिन से टक्कर ली थी? अभी देख लेते हैं उस महायोद्धा को। अद्भुत योद्धा है ये। इसने जिन जोरा से टक्कर ली थी तुम्हारे लिए? अच्छा मजाक करती हो जिनी तुम, अच्छा मजाक। ये तुम्हें बचाने यहां आएगा? ये तो खुद चूड़ियां पहनकर बैठा है। ये जीनू और जॉनी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। जिया जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? प्लीज प्लीज तुरंत यहाँ से चली जाइए। लेकिन क्यों? और तुम क्या मस्ती करने वाले हो जॉनी?
तुमने जीनू को विक्की के बारे में क्या बोला है? बोलो बोलो। मैंने अरे मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि जब मैं यहाँ पे आया तो रज्जू जी यहाँ पे थी ही नहीं, बल्कि यहाँ पे तो ये क्या ये दोनों कार्टून कौन है? सुनो इधर आओ। तुम दोनों कौन हो और मेरी बहन जीनू कहां पर है? जल्दी जवाब दो वरना तुम दोनों को धूल बना के हवा में उड़ा दूंगी। जिन जाफर, ये वही लड़की है जिसने जादू में पीएचडी कर रखी है। अच्छा सुनो लड़की, जिस कॉलेज से तुमने पीएचडी की है ना, हम उस कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। अच्छा वेल डन वेल डन। क्यों बच्चू, होगी ना बोलती बन? क्या डायलॉग मार रहे थे तुम? कि तुमने जिस कॉलेज से पीएचडी की है हम उस कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अब मेरा डायलॉग सुनो, तुम जिस कॉलेज के प्रोफेसर हो मेरी जिया उस कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी है। वाह क्यों जी, ठीक कहा ना? ऑफ कोर्स समझ गए। ये क्या तरीका है, एक खूबसूरत लड़की को इस तरह से पिंजरे में बंद कर दिया आपने, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं दाढ़ी। बचाओ 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 बचाओ, मुझे नीचे उतारो प्लीज प्लीज। अरे भाई साहब प्लीज लैंड करा दो नीचे। प्लीज प्लीज हेल्प मी। बेला मैं कुछ करती हूँ, रुको। अरे भाई साहब प्लीज लैंड करा दो नीचे। प्लीज प्लीज हेल्प मी। क्यों मजा आ रहा है? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कर रहे भाई साहब बस करो यार, मैं परेशान हो गया उस जादू से। अरे जिया जी, ये करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई भी जादू काम नहीं करने वाला। ये दोनों बहुत ताकतवर है, इनके होते यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, मैं खुद फंसा हूँ। नहीं जाना, ये इन दोनों की शक्ति नहीं है, इन दोनों के पीछे किसी और की शक्ति है, इसलिए इनका किया हुआ जादू मैं बेअसर नहीं कर पा रही। एक मिनट मैं देखने की कोशिश करती हूँ। जिन लॉर्ड क्या हुआ जी? जी क्या हुआ, क्या देखा आपने, बताइए ना। जॉनी तुम उनके बाजू पर वो जेड का निशान देख रहे हो? इनकी ये जिन जुनून के गुलाम है, वो जिन जुनून जो जिन लैंड का सबसे शक्तिशाली जिन बनना चाहता है। 1000 साल के बाद आज वो दिन आया है जब सारे नक्षत्र तारे ग्रह जेड की शेप में होंगे, और आज के दिन अगर कोई भी जिन किसी नेक जिन या जीनी की आत्मा की बलि दे तो वो जिन लैंड का सबसे शक्तिशाली जिन बन सकता है। वो जिन लॉर्ड, कहीं वो मेरी जीनू को इसीलिए तो अपने साथ नहीं ले गया। सुनो मैं तुम दोनों से बात कर रही हूं, चुपचाप बता दो कि मेरी बहन जीनू कहां पर है, वरना मैं तुम दोनों की शिकायत जिन जुनून से कर दूंगी और फिर उसके कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम बात ही ऐसी कह रही हो। तुम जिन जुनून से हमारी शिकायत करोगी? हाँ। जिन जुनून से हमको सजा दिलवाओगी? हाँ बिल्कुल। अरे मोर लड़की, जिस जिन जुनून से तू हमारी शिकायत करने की बात कर रही है, हम उनके गुलाम हैं और यहाँ जो भी कुछ कर रहे हैं अपने आका के हुक्म से कर रहे हैं, और
तुम्हारी जीनी को भी हमारे जिन जुनून साथ लेकर गए हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.